स्पॉन्सर्ड बाय BRC छत्री डेसिकेटेड कोकोनट सुपर पाउडर। मिस इंडिया मल्टीनेशनल 2021 जीतकर दिल्ली से मुंबई लौटी दिव्यजा गंभीर का कांदीवली में जोरदार स्वागत। आपको बता दें, दिव्यजा गंभीर की उम्र 22 साल है, MCA की पढ़ाई कर रही है, मुंबई की कांदीवली पूर्व लोखंडवाला परिसर में रहती है। उनके सर पर क्राउन सजा हुआ है, उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है, यानी अब वो बन गई है मिस इंडिया मल्टीनेशनल 2021 की विजेता। दिव्यजा के सोसाइटी वालों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया और सभी ने उन्हें बेस्ट विशेष दिया, कहा खूब तरक्की करो और आगे बढ़ो, ऐसे ही हम लोगों का नाम रोशन करते रहो। इससे पहले भी मिस क्वीन 2019, उसके बाद FBBB कैंपस प्रिंसेस फाइनलिस्ट 2019, यही नहीं प्रथम रनर अप एलाइट मिस राजस्थान 2020 और अब मिस इंडिया मल्टीनेशनल 2021 का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। नवभारत समाचार मुंबई से शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। जी, दिव्यजा को जब भी जरूरत होती है उसके साथ हर जगह पे जाना, और 2019 में उसने पहला क्राउन जीता था, ये उसका छठा क्राउन है। इससे पहले वो जो है मिस राजस्थान, मिस महाराष्ट्र एलाइट, मिस राजस्थान, FBB कैंपस प्रिंसेस, ऐसे बहुत सारे क्राउन जीत चुकी है। तो हर बार जब वो क्राउन जीती है तो उसके पीछे हमें लगता है कि ब्यूटी पेजेंट जो होता है खूबसूरत लड़कियों को एक वॉक कराते हैं और ब्यूटी पेजेंट होता है, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे बहुत लंबी और कड़ी मेहनत होती है। दिव्यजा जितना भी थकी हुई हो, जितना भी वो अपने बाकी कामों में बिजी हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि वो अपनी एक्सरसाइज, अपनी डाइट को लेके वो थोड़ा भी कंप्रोमाइज़ करे। तो उसके पीछे वो सब मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ना कहीं उसका खाना पीना कैसा होना चाहिए, उसकी एक्सरसाइज, वो कहाँ जा रही है, उसके साथ हर जगह पे जाना, उसे सपोर्ट करना, बाकी असली मेहनत बच्चे का खुद की होती है। बट वास्तव में बड़ी साधना है, बड़ी बहुत कड़ी साधना है जिसके बेसिस पे एक जो बच्चा आगे बढ़ता है और अपना मुकाम हासिल करता है। तो वो साधना दिव्यजा ने की है पिछले 5-6 साल से, कंटिन्यूसली वो अपना टाइम दे रही है इस चीज़ों के लिए। जैसे कि तपस्वी आदमी तपस्या करता है, इसी मतलब उसके लिए तपस्या से कम नहीं है कि उतने इतना काम, इतना जो उसको लिया है सीरियसली। पहले फैमिली को, मम्मा पापा मोदित करीना चली प्लीज, इनके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी कुछ भी पॉसिबल नहीं। सेकंड है देवल जी को बुलाती,
वजह से मम्मा पापा ने मुझे इस लाइन में आने दिया कि कोई और आई एम द फर्स्ट वन टू गेट इन टू दिस इंडस्ट्री. तो थैंक यू टू रियोरा अंकल. And thirdly, thank you to all of you for always being a constant support in my life, for everything, making time for me and never missing a chance to congratulate me. Special mention to my mom. बचपन में ये स्टोरी मुझे नहीं पता किसी को पता होगी. बचपन में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी और तब से मम्मी का ये सपना था कि दिव्या मुझे मुझे हाथ मैंने इनके लिए किया. ये हमेशा मुझे बोलती थी जब भी कोई बोलेगा ना रोल मॉडल कौन होगा तो हमेशा पापा का नाम लेना. पापा तो है ही नो डाउट, बट मम्मी जितनी मेहनत सपोर्ट कोई नहीं कर सकता. एंड दिस इज फॉर हर एंड ऑल द अदर मॉम्स. एक्चुअली मैं जा नहीं पाया वहाँ पे जब ये प्रोग्राम हो रहा था, लेकिन जब मैंने इसको लाइव देखा यूट्यूब पे लाइव था, मेरे को जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था. ऐसे जैसे सारी दुनिया की खुशी मुझे मिल गई. एक्चुअली इतना गर्व से सिर ऊंचा और सीना फूल गया कि आज मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया है. तो वास्तव में वो खुशी ऐसी है कि मैं बयान नहीं कर सकता. तो आज मिस का जिस तो सबसे पहले उसके दो टारगेट हैं. अभी पहला टारगेट तो है उसको भी एग्ज़ाम जो सीए फाइनल का है नवंबर में उसका ड्यू है तो वो पास करेगी. साथ में साथ उसकी अगले साल जो ये इंटरनेशनल लेवल की जो प्रतियोगिता होनी है उसके लिए भी प्रिपरेशन करना है. तो उसका ग्रूमिंग चालू होगा. वो ग्रूमिंग चालू होने के बाद में जब अगले साल ये इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करेगी, आई थिंक उसके लिए बहुत मेहनत करनी है उसका. वो ये दोनों प्रायोरिटी पहले रहेंगी, क्योंकि एक बार अगर इंटरनेशनल जाती है तो उसके बाद में शायद इस लाइन में आगे काफ़ी बिजी हो जाएगी, तो शायद पढ़ाई के ऊपर थोड़ा मुश्किल हो सकता है. लक्ष्य ये है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, 50+ जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड की उसके साथ उसे कम्पीट करना है. और हम ये चाहते हैं दिल से सबका आशीर्वाद रहे कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है और इंडिया के लिए वो क्राउन जीत के आए. जिस तरह अभी दिव्या ने बताया कि ये काम आपने सोचा था जब आप मेहनत जा रही थी, आपको लग रहा था कि ये ताज क्या आपके सर होगा जब आप रिटर्न होके आएंगे? देखिए मेहनत तो मैंने काफ़ी की थी, तो मुझे ये था कि कुछ भी हो जाए मुझे ये क्राउन वापस लाना ही है अपने पास. And that's the reason. I mean, hard work pays off. And वो एक goal होता है ना, goal हमेशा आपको focus and determined रखता है. तो I guess that was one thing जिसकी वजह से मुझे पक्का था कि एक round मेरा होगा. कौन है जिसे आप देखती हैं, जिसे आप follow करती हैं, कि आपको उस मुकाम तक हासिल करने के लिए आपको इन्हें follow करके भी आप चलती हैं? वेल सुष्मिता सेन, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोला था कि मैं जब बचपन में मम्मा सुष्मिता सेन को देखी थी मिस यूनिवर्स बनते हुए, तब से उनका सपना था कि मैं भी इंडिया को रिप्रेजेंट करूं. तो और प्लस उनके साथ साथ वो जिस तरह से बोलती हैं चलती हैं, दैट इज़ वेरी इंस्पिरेशनल. सो दैट शी इज़ समवन दैट आई लुक अप टू. हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल. मैं एक्टिंग तो इज़ द मेन फोर्टे अपार्ट फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड मेकिंग इंडिया प्राउड एंड गेटिंग द मल्टीनेशनल क्राउन फॉर द फर्स्ट टाइम. तो मेहनत पूरी रहेगी और एक्टिंग में अगर मौका मिला तो ऑब्वियसली आई विल टेक इट. कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस क्राउन को अपने सर पे सजाने के लिए, और जब बात आती है खाने को लेकर तो कितना कम वो करना पड़ता है कि कुछ भी आपके सामने हो, किस तरह से आप उसे अवॉइड कर पाते हैं? मेरी एक स्टोरी है फ्रॉम फैट टू फिट. मैं 80 kgs की थी और हमेशा से मेरा सपना था कि मैं इस फील्ड में आऊँ, ब्यूटी पैजेंट्स में आऊँ, एक्टिंग में आऊँ. तो वो मेहनत जो वही मैंने बोला ना कि गोल होना चाहिए तो आप हमेशा फोकस्ड रहते हैं हर चीज़ के लिए. तो उसके कारण मैंने अपना पूरा वेट घटाया फ्रॉम फैट टू बींग फिट.
और उसके लिए खाना ऐसा था कि मतलब मैं पहले बहुत ज़्यादा खाती थी, लेकिन उसके बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आया जहाँ पे मेरा मन ही नहीं करता था। एंड उसके बाद आई जस्ट स्टार्टेड ईटिंग घर का खाना इज़ द हेल्दीएस्ट। एंड मैंने बाकी रोक टोक कुछ किया नहीं, बस घर के खाने पर स्टिक कर रही हूँ। और काफ़ी मेहनत तो काफ़ी 80-52 आई हूँ मैं, 3-4 साल की मेहनत लगी है, तो मेहनत तो काफ़ी की है एंड आई थिंक आई डिज़र्व दिस। वेल आई वॉन्ट द मिस मल्टी नेशनल क्राउन फॉर श्योर, सो आई गेस दैट्स इट, 8th क्राउन फॉर इंडिया।